हरे तो सुबह कृष्णा। सुबह मैं पी रही हूँ ये पानी कोसा करके, मतलब थोड़ा गुनगुना करने के बाद अब पीने लगी हूँ इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज लंच में भरता है और रोटी और दही और सैलड रहेगा। थोड़ा फ्रूट भी खाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है फ्रूट खाने के लिए। पानी का इनटेक मेरा थोड़ा अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है, डाइटिशियन ने बताया है, वैसे ही कर रही हूँ मैं। और थोड़ा अभी टाइम लगेगा बट इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक है अभी। जैसे अगर कहा जाए तो 20% इम्प्रूवमेंट मुझ में है। तो देखते हैं, हेल्थ जैसी जैसी होती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी, अपडेट देती रहूंगी। काफ़ी अजीब तरीके के लोग हैं, पता नहीं इनके घर में माँ बहन है नहीं है या क्या है, पर ऐसे तो नहीं बात करनी चाहिए किसी को भी, है ना, जिस तरह ये लोग बात करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सोच के बोल दें तो बढ़िया ही है, पर दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हम इग्नोर कितना भी कर लें ये लोग हटेंगे नहीं। और मैं कितनी भी कंप्लेंट्स करती ही रहती हूँ, ठीक है, और अब मैंने सोचा है कि बहुत हो गया, लाइटली नहीं लेना है इन सब चीज़ों को और एक्शन ज़रूर लेना है। ठीक है, एक्शन लिया जाएगा। वो जो पुरानी आईडीज़ थी उनके खिलाफ़ भी मैंने रिपोर्ट कर दी है कल ही, और कंप्लेन कर दिया है मैंने। तो अभी ये दोनों हैं, देखते हैं, वरना नहीं हटे तो इनको भी कर दूंगी। क्योंकि हद होती है किसी को कैसे लिखने की कि तुम्हारा पति है नहीं अभी, तो मुझसे जुड़ जाओ। पता नहीं कैसे कैसे लिख लेते हैं ये ऐसे किसी की माँ बहन को, है ना, किसी की बेटी को। थोड़ा सा लिमिट में रहिए प्लीज़, अपनी मर्यादा मत भूलिए, आप भी इंसान है ना। आप अपने घर में भी शायद ऐसे ही बात करते होंगे, फिर प्लीज़ थोड़ा लिमिट में रहिए। बस इतना ही कहना था, ये जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और मैं एक जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी, जिन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, मैं जितना हो सके डाल पाई तो ज़रूर डालूंगी, उन सब के नाम लूंगी। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आपने अब तक इतना प्यार दिया है। अकेला फील होने नहीं देते आप ही लोग मुझे। और जल्दी सब ठीक हो जाएगा और पॉजिटिव रहेंगे हम लोग सब, ठीक है, हम सबको, हमारी सब, मैं कह रही हूँ भगवान करे जिसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ सब ठीक हो जाएं धीरे धीरे। और भगवान को मत छोड़िए आप लोग, ये नहीं कि सिर्फ दुख है तभी भगवान को याद करना है, सुख में भी याद कीजिए भगवान को। और भगवान सबका भला ही करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में, पर इतना डीपली नहीं जाएंगे हम इस बात को लेके। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान को याद रखिए अपने सुख और दुख दोनों में, सिर्फ सुख में ही नहीं या सिर्फ दुख में ही नहीं, कि भगवान तो आते ही नहीं, भगवान तो सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। स्टॉप ब्लेमिंग भगवान फॉर एवरीथिंग, है ना, जो भी हमारी लाइफ में बुरा हो रहा है उस चीज़ का ब्लेम सिर्फ भगवान पर डाल देना इज़ नॉट राइट। और लाइफ है, स्ट्रगल्स हैं, अप एंड डाउन्स आएंगे, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, बस हमें हिम्मत से काम लेना है, सहन शक्ति थोड़ी अच्छी रखनी है और अपना ख्याल रखना है। आजकल हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी चल रहे हैं लोगों को, सबको ही कुछ ना कुछ, इतनी यंग एज में कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। चलिए, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप भी आ जाइए। और आज लंच में आप क्या खाने वाले हैं? यहाँ प्रॉब्लम हो गया है, ये सारी तार जो दिख रही है ये सारी चेंज होगी अब, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है वहाँ की तरफ मीटर साइड पे, तो वो तार बदलने के लिए सबकी लाइट बंद की गई है। ये सारे इन्वर्टर वाले हैं जितना कुछ की भी लाइट दिख रही है। हाय, तो रात के 10 बज रहे हैं और अभी बस मैं जब करूँगी फिर सोऊंगी। डिनर मैंने करा था
डिनर में मैंने फ्रूट्स खाए थे और अभी थोड़ा अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा लैपटॉप बंद ही हो गया। मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी और बस अभी थोड़ा जप करूंगी, 2-3 जप करूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। फिर सुबह मिलते हैं, सुबह फ्लैट में जाना है, मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। अभी जप करते हुए दिखाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा और कोशिश कीजिए आप लोग भी रात को सोने से पहले 1 या 2 जप ज़रूर करें, जो भी आप जिनको भी मानते हैं। हरे कृष्णा। सुबह सुबह सब्जी ले रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरे कृष्णा। सुबह सुबह मैं पी रही हूँ ये ड्रिंक जो मुझे डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए, वही पी रही हूँ। डाइटिशियन ने जो बोला है, जो डाइटिशियन ने बोला है वही पी रही हूँ और बहुत टेस्टी होता है ये। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, तो ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खाने लगी हूँ। तो आपको दिखाती हूँ प्लेट अपनी। गाड़ी कितनी गंदी हो गई है, तो थोड़ी बहुत साफ कर ली भैया और मैंने गाड़ी को, थोड़ा बहुत साफ कर लिया था। तो जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, उसके कुछ देर बाद ही टायर्स में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए हम दुकान पे आए हैं। पहले ही कॉल करके पूछ लिया था उनकी दुकान खुली थी, वरना रात को कहाँ खुली होती है। तो कल के ब्लॉग में दिखेगा कि मैं ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा। ख्याल रखिए अपना।